तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो बाइकों के बारे में, जो कि दोनों ही बाइक 125 सी सेगमेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और काफी ज्यादा अपनी अपनी जगहों पे बेस्ट हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों बाइकों के बारे में बात करेंगे, जो की है पहली बाइक बजाज पल्सर NS125 और दूसरी बाइक है होंडा SP125, जिसे लेकर काफी ज्यादा लोग का कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी बाइक उनको लेनी चाहिए और कौन सी बाइक उनको नहीं लेनी चाहिए। और इन दोनों बाइकों को लेकर काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि भाई SP125 और NS125 में से कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन दोनों बाइकों का कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी बाइक आप लोग को लेनी चाहिए और किसका लुक अच्छा है। और साथ ही साथ इन दोनों बाइकों के प्राइस की भी बात करेंगे कि कौन सी बाइक कितने रुपए में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग में से किसी को भी इन दोनों बाइकों को लेकर कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई परेशानी है और आप लोग इन दोनों बाइकों में से किसी बाइक को लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। आप लोग को वीडियो के लास्ट तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे आने वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों बाइकों के मॉडल और डिजाइन के बारे में। तो अगर हम आपको सिंपल और एक वर्ड में बोले तो दोनों बाइकों का जो मॉडल और डिजाइन है ना, वो काफी अच्छा बनाया गया है। दोनों ही बाइक काफी मस्कुलर देखने में लगती हैं। लेकिन अगर हम बात करें बजाज पल्सर NS125 के बारे में, तो इसका जो फ्रंट से लुक है, इसका जो रियर से लुक है, कहीं से भी आप लोग देखते हैं ना, तो इसका जो लुक निकल के आता है ना, वो ज्यादा मस्कुलर लगता है देखने में। और जो यंग एज के लोग होते हैं ना, उन्हें बजाज पल्सर NS125 ज्यादा बेस्ट लगती है लुक्स के मामले में, क्योंकि इसका जो लुक निकल के आता है ना, वो बिल्कुल NS160 और NS200 की तरह देखने में लगती है। तो दोस्तों, लुक्स के मामले में इन दोनों बाइकों में से जो ज्यादा बेटर है वो है NS125। लेकिन अगर आप लोग को सिंपल लुक चाहिए, थोड़ा सा कम स्पोर्टी बाइक चाहिए, तो आप लोग होंडा SP125 को ले सकते हैं, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो दोस्तों, ये तो हो गए इन दोनों बाइकों के लुक्स की बात। तो दोस्तों, इन दोनों बाइकों में से किसका लुक ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सी बाइक आप लोग को ज्यादा अच्छी लगती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये लुक्स की बात हो गई। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों बाइकों के माइलेज के बारे में। तो दोस्तों, माइलेज के मामले में होंडा SP125 सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो होंडा SP125 आती है ना, इसका जो माइलेज है ना, इस सेगमेंट के अंदर काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग होंडा SP125 को नॉर्मल स्पीड पे चलाते हैं, तो लगभग आप मान के चलिए 65 से 70 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। और वहीं अगर हम बात करें बजाज पल्सर NS125 के माइलेज के बारे में, तो दोस्तों, इसमें आपको जो इंजन मिलता है ना, वही सेम आपको पल्सर 125 वाला इंजन देखने को मिल जाता है। इसका जो माइलेज मिलेगा ना, वो भी लगभग आप मान के चलिए 50 से 55 का माइलेज आपको ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देगी। तो दोस्तों, अगर हम इसके माइलेज की बात करें, तो दोस्तों, माइलेज के मामले में होंडा SP125 ज्यादा बेस्ट है। तो अगर आप लोग को एक माइलेज वाली बाइक चाहिए और थोड़ा सा आप लोग को पावर कम चलेगा, तो आप लोग होंडा SP125 को ले सकते हैं, जो कि काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई इन दोनों बाइकों के माइलेज की बात। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन दोनों बाइकों के इंजन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो होंडा SP125 है ना, इसमें आपको जो इंजन मिलता है, इसका जो पावर निकल के आता है, वो निकल के आता है 10.8 PS का इसका पावर देखने को मिल जाएगा। और इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आता है, वो निकल के आता है 10.9 Nm का इसका मैक्स टॉर्क देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके कंपेयर करें बजाज पल्सर NS125 के इंजन से, तो इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वॉक मिल जाता है 12 PS का मैक्स पावर देखने को मिल जाता है। और इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आएगा, वो निकल के आता है 11 Nm का इसका मैक्स टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पावर देखने को मिल रहा है ना, वो आपको NS125 में ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इसका जो टॉप स्पीड निकल के आएगा, वो NS125 में ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि लगभग आपको 118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर हम बात करें SP125 के टॉप स्पीड के बारे में, तो अप्रोक्स मान के चलिए 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस बाइक में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग को पावर ज्यादा चाहिए, टॉप स्पीड ज्यादा चाहिए, तो आप लोग SP125 को न लेके NS125 को ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और वहीं अगर हम बात करें इन दोनों बाइकों के थोड़े से ब्रेकिंग क्वालिटी के बारे में, इसके ब्रेक के बारे में, तो दोस्तों, दोनों ही बाइकों में सेम ब्रेकिंग क्वालिटी देखने को मिल जाती है, सेम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है और रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद CBS सिस्टम के साथ, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसका यूज ये होता है कि अगर आप इसका रियर ब्रेक अप्लाई करेंगे या फिर फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो अगर आप कोई भी एक ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो आपका जो दूसरा ब्रेक होता है ना, वो ऑटोमेटिक कुछ परसेंट अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलेगी ना, दोनों ही बाइकों में आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ब्रेकिंग क्वालिटी में दोनों ही बाइक लगभग सेम है, तो ब्रेकिंग क्वालिटी को लेकर हम किसी भी बाइक को जज नहीं कर सकते कि
ये बाइक अच्छी है या फिर ये बाइक अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और बात करें इन दोनों बाइकों के टायर साइज के बारे में, तो दोस्तों जो होंडा का जो टायर मिलता है ना, यानी कि जो होंडा SP125 का टायर देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो फ्रंट टायर देखने को मिलता है, इसका जो रियर टायर देखने को मिलेगा, दोनों ही आपको 80/100 का 18 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। जिसे लेके काफी ज्यादा भाई लोगों का कमेंट आता था मेरे पास कि भाई इसका जो टायर साइज है ना वो थोड़ा सा कम दिया गया है, एटलीस्ट इसमें 90/90 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को दे देना चाहिए था होंडा की तरफ से। तो दोस्तों होंडा का जो SP125 आती है ना, वाकई में इसका जो टायर साइज है, इसका जो रियर टायर है ना, वो थोड़ा सा कम पतला है, इसे और थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा कर देना चाहिए था होंडा को। और वहीं अगर हम बात करें बजाज पल्सर NS125 के टायर साइज के बारे में, तो इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वॉक मिल जाता है 80/100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, और इसका जो रियर टायर मिलेगा वॉक मिल जाता है 100/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों रियर टायर जो है ना वो SP125 का थोड़ा सा कम है, लेकिन NS125 का काफी ज्यादा सही दिया। तो दोस्तों जो रियर टायर देखने को मिलेगा ना वो बजाज पल्सर NS125 में काफी सही देखने को मिलता है, जो कि आपको रोड पे जो ग्रिपिंग देगी ना वो काफी अच्छा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों टायर के मामले में NS125 बेस्ट है, क्योंकि जो SP125 का टायर है ना, जो रियर टायर है ना, वो थोड़ा सा पतला दिया गया है, इस वजह से आपको जो रोड पे ग्रिपिंग मिलती है ना उसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी। लेकिन NS125 में आपको काफी अच्छी रोड पे ग्रिपिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बेहतर होती है राइडिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन दोनों बाइकों के मीटर कंसोल के बारे में। तो अगर हम बात करें बजाज पल्सर NS125 के मीटर कंसोल के बारे में, तो इसका जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा ना वो आपको सेम आपको NS160 और NS200 वाला मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसे हम लोग सेमी डिजिटल मीटर कंसोल के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें होंडा SP125 के मीटर कंसोल के बारे में, तो इसका जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा वो आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। तो दोस्तों अगर आप लोग को मीटर कंसोल में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग होंडा SP125 को ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग को स्पोर्टी मीटर कंसोल चाहिए, आप लोग को NS125 बेस्ट लगती है, और आप लोग को NS का जो मीटर कंसोल आता है ना वो आपको ज्यादा पसंद आता है, तो आप लोग NS125 को ले सकते हैं, ये काफी अच्छे और काफी स्पोर्टी मीटर कंसोल के साथ देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को स्पोर्टी लुक वाली मीटर कंसोल चाहिए, तो आप लोग NS125 को ले सकते हैं, आप लोग SP125 को बिल्कुल मत लीजिएगा। तो दोस्तों इन दोनों बाइकों में से आप लोग को किसका मीटर कंसोल ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाला और ज्यादा अच्छा लग रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन दोनों बाइकों के हेडलैम्प के बारे में। तो दोस्तों जो बजाज पल्सर NS125 देखने को मिलेगी, इसमें आपको जो हेडलैम्प मिलता है वो आपको हाइलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम वही बात करें होंडा SP125 के हेडलैम्प के बारे में, तो इसमें आपको फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों NS125 से ज्यादा बेटर जो रोशनी आपको देगी, जो ज्यादा विजिबिलिटी देगी, वो आपको मिल जाएगा SP125 में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों हेडलैम्प के मामले में होंडा SP125 ज्यादा बेस्ट है NS125 की अपेक्षा में। तो दोस्तों ये तो हो गई इन दोनों बाइकों के हेडलैम्प की बात, और एक बात और दोस्तों, इन दोनों बाइकों में से किसका हेडलैम्प आप लोग को ज्यादा अच्छा लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन दोनों बाइकों के थोड़े से डायमेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SP125 की, तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा वॉक मिल जाता है 11 लीटर की देखने को मिल जाएगी, जबकि NS125 में आपको जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा वो आपको 12 लीटर का देखने को मिल जाता है। तो फ्यूल टैंक के मामले में आपको NS125 ज्यादा बेस्ट है। और अगर हम बात करें इन दोनों बाइकों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो दोस्तों जो SP125 में आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा वॉक मिल जाता है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, और जो NS125 आती है इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वॉक मिल जाता है 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें सीट हाइट के बारे में, तो दोस्तों जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है ना उनके लिए बेस्ट है SP125, क्योंकि इसका जो सीट हाइट देखने को मिलती है वो आपको मिलती है 790 mm का, और जो NS125 आती है ना इसका जो सीट हाइट है वो आपको मिलता है 805 mm का। तो दोस्तों अगर आप लोग की हाइट थोड़ी सी कम है तो आप लोग SP125 को ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इन दोनों बाइकों के वेट के बारे में, तो जो SP125 आती है ना इसका जो वेट निकल के आएगा वो निकल के आता है 118 kg की बाइक देखने को मिल जाएगी, और जो NS125 आती है ना वो लगभग आप मान के चलिए 144 kg की देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग को हाईवे राइडिंग करनी है, आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, तो आप लोग NS125 को ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग को माइलेज वाली बाइक चाहिए, तो आप लोग SP125 को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो माइलेज मिलता है ना वो आपको NS की तुलना में आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इन दोनों बाइकों के डायमेंशन की बात, और वहीं आगे बढ़ते हैं और लास्ट में बात करते हैं इन दोनों बाइकों के प्राइस के बारे में।
बारे में, क्योंकि इन दोनों बाइकों के प्राइस को लेके काफी ज्यादा कमेंट आते रहते हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों बाइकों के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों जो होंडा SP125 है ना, वो लगभग आप मान के चलिए 95,000 to 97,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कम्प्लीट देखने को मिल जाएगी। और वही अगर हम बात करें बजाज पल्सर NS125 के प्राइस के बारे में, तो दोस्तों इसका जो ऑन रोड प्राइस निकल के आता है वो निकल के आता है 1,05,000 से 1,07,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इन दोनों बाइकों के प्राइस के बीच में लगभग 10,000 का डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने जो आपको प्राइस बताया ना, ये मैंने आपको एक लगभग प्राइस बताया है, क्योंकि जो बाइक की प्राइस होती है ना वो हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो मैंने आपको प्राइस बताया है उससे आप लोग अपना एक बजट सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो इन दोनों बाइकों के प्राइस की बात, और वही आगे बढ़ते हैं और लास्ट में बात करते हैं कि कौन सी बाइक आप लोग को लेनी चाहिए, कौन सी बाइक बेस्ट है, कौन सी बाइक बेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दे दोस्तों कि दोनों ही बाइक अपनी अपनी जगहों पे बेस्ट है, काफी अच्छी बाइक है दोनों ही बाइक। लेकिन अगर हम बात करें NS125 के बारे में कि किसे इस बाइक को लेनी चाहिए और किस लिए लेनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आप लोग को एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि स्पोर्टी लुक के साथ है, आप लोग का बजट कम है लेकिन आप लोग को ज्यादा स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहिए और उसका पावर ज्यादा चाहिए, और आप लोग यंग एज के लोग हैं, तो आप लोग बजाज पल्सर NS125 को ले सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बाइक है, क्योंकि इसका जो लुक है, इसका जो पावर है ना, वो काफी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल NS160 और NS200 की तरह देखने में लगती है। तो अगर आप लोग का बजट कम है लेकिन आप लोग NS सीरीज की बाइक लेना चाहते हैं, तो आप लोग NS125 को ले सकते हैं, ये बाइक आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। और वही अगर हम बात करें होंडा SP125 के बारे में कि किसे इस बाइक को लेनी चाहिए और किस लिए लेनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आप लोग को माइलेज वाली बाइक चाहिए, थोड़ा सा कम स्पोर्टी बाइक चाहिए, आप लोग को फीचर्स ज्यादा चाहिए, आप लोग को LED हेडलैम्प चाहिए, डिस्टर्ब मीटर कंसोल देखने को चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल क्या कहते हैं बिना सोचे SP125 को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो माइलेज मिलता है वो आपको NS की तुलना में आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग के लिए माइलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग माइलेज के लिए ही बाइक लेना चाहते हैं, तो आप लोग होंडा SP125 को ले सकते हैं, जो कि काफी बेस्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने इन दोनों बाइकों को एक एक करके सारी चीजें डिटेल में बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि किसके यूज के हिसाब से कौन सी बाइक उन्हें लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग को फिर भी इन दोनों बाइकों को लेके कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करने का। तो दोस्तों कौन सी बाइक आप लोग को ज्यादा बेस्ट लगी, कौन सी बाइक आप लोग की फेवरेट बाइक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है, तो आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी, वहां से हमें आप डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आप हमसे चाहेंगे तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।